खालसा जी चैनल नू सब्सक्राइब करन तो बाद ऑल नोटिफिकेशन नू जरूर ऑन करो ताकि साड़ी कथा कीर्तन की हर वीडियो तुहाडे तक पहुँचती रहे अते वीडियो नू लाइक करना ना भूलना जी। लै स्वामी कुदरत कवन हमारी साध संग नानक जस गायो जो प्रभ की अत प्यारी सजन सचा पातशाह सिर शाहांदै शाहु जिस पास बैठिया सोही है सब नांदा वेसाहु जिस पास बैठिया सोही है सब नांदा वेसाहु सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी तनासरी महला तीजा घर दूजा चौपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद इहु तन अखुट ना निखुट ना जाए पूरे सतगुर दिया दिखाए अपने सतगुर को सद बल जाई गुर कृपा ते हर मन वसाई इहु तन अखुट ना निखुट ना जाए पूरे सतगुर दिया दिखाए अपने सतगुर को सद बल जाई गुर कृपा ते हर मन वसाई सी धनवंत हर नाम लिवलाए गुरपुरे हर तन परगासिया हर कृपा ते वस मन आए सी धनवंत हर नाम लिवलाए गुरपुरे हर तन परगासिया हर कृपा ते वस मन आए रहाओ वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मान योग शब्द गुरु रब्बी ज्ञान दे सागर कृपा सिंध दीन दयाल सर्ब कला समर्थ साहिब सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी दी पावन चरण शरण वे सुभाए मान गुरु प्यारी गुरु सवारी साध संग जीओ सतगुरां दी अपार दया दृष्टि दे सदका मनुखा जीवन दे ए पल सफले हो सकन दीवान स्थान गुरद्वारा श्री मंजी साहिब विखे गुरु संगत दी युग द्वारा सतगुरां दे हजूर जुड़ बैठन दा सुभाग समा प्राप्त होया है। नेता प्रति दी तरह दीन दुनिया दे मालक साहिब सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी ने सचखंड श्री हरिमंदर साहिब विखे प्रकाशमान हो करके जो मुख वाक बख्शिश कीते हन
उस दी अते चल रही लड़ीवार गुरबाणी कथा आप जी ने सरवण करनी है। गुरु की संगतां देश विदेश विच जुड़ बैठ के जे समय दी बहुत शिद्दत दे नाल उड़ीक कर दियां हन। आओ सब तो पहला जो सतगुरु जी ने सानू मुखवाक बख्शिश कीता है तनासरी राग दे अंदर निमाणियां दे माण गुरु, निताणियां दे ताण गुरु, नियोटियां दी ओट गुरु, परबत मेरान सुजान पुरख, सेवा ते सिमरन दे मुजस्मे सतगुरु श्री गुरु अमरदास महाराज जी दे उचारण कीते हुए ए अगमी वाक साहिब सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी दे पावन अंग 663 अते 664 ते शोभनीक हन। गरीब नवाज जी ने इस पावन गुर शब्द दे द्वारा जो परमेश्वर दा नाम धन है उन्नू ना मुकण वाला खजाना दस्या। दुनियावी तौर ते असी वेखदे हां कि जे किसे मनुख दे कोल लखां करोड़ां अरबां होण एक तां कदे भी उस मनुख नू संतोख नहीं आउंदा और ना ही ये आस रखी जा सकती है कि वह कदे तृप्त होवेगा जां जो कुछ उहदे कोल अज है वह आउण वाले समय विच वी उहदे कोल एवें ही टिकिया रहेगा। क्योंकि दुनियावी तौर ते असी वेखदे हाँ जितना धन वध है उन्नी भुख वधदी है, उन्ना ही मनुख संतुष्टि तो बिना संतोखी हो के संसार दे विच भटकदा है। बिना संतोख नहीं को राजा। गरीब नवाज जी ने कृपा कीती कि जेड़ा नाम धन है ये एक तां अखुट खजाना है जेड़ा मुकण वाला नहीं, इनू रल मिल के जिन्ना भी जपीए जिन्ना भी सिमरीए दूजियां दे भले हित जिन्ना भी दूजियां नू जपाइए ये उन्ना ही होर वाधा जांदा है। इहदे विच किसे प्रकार की कोई कमी नहीं आउंदी। उस खजाने नू गुरु शब्द का खजाना कह लईए, गुरु ज्ञान का खजाना कह लईए, गुरबाणी कीर्तन का खजाना कह लईए, नाम सिमरन का खजाना कह लईए। सतगुरां ने वक्रे वक्रे परायावाची शब्द जिहड़े ने वह वरते ने, जिवें शब्द अखुट बाबा नानका खाहे खर्च धन माल। गरीब नवाज जी सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज जिन्हां नूं सतगुरु गुरु अमरदास महाराज जी दे दोतरे होण दा भी माण प्राप्त है, दोहिता बाणी का बोहिता, जिन्हां दा बचपन गुरु दी मत द्वारा परमेश्वर दे नाल जुड़िया होया सी। भट्ट साहिबान ने बचन कहे ने तैं जनमत गुरमत ब्रह्म पछाण्यो। उन्हां नूं जदों पुछया कि सतगुरु जी तुसी वड्डे भागां वाले जां धनवान किवें हो, ते गरीब नवाज जी दा उत्तर सी हम धनवंत भागठ सच नाए। जदों सच्चे नाम दा खजाना साडी जिंदगी विच आउंदा है ते उस वेले असी धनवंत भाव शाह बणदे हां। उह जिंदगी दे विच खजाना सानू मिल जाता है जिहड़ा कदे मुकदा नहीं, ते यही है वड्डे भागां दी निशानी। हम दा अर्थ है असी सारे, हम तनवंत भागठ भागठ कहिंदे ने भागां वाले नू। हम तनवंत भागठ सच नाए, हर गुण गावै सह सुभाए, पिऊ दादे का खोल डिठा खजाना, ता मेरा मन भया निधाना। कहिंदे जदों मैं पिऊ दादे दे इस खजाने नू खोल के वेख्या, एक तां दुनियावी तौर ते धन गुरु रामदास महाराज जी सतगुरु गुरु अर्जन देव जी दे दुनियावी पिता भी ने ते गुरु पिता भी ने, दूसरे पासे जदों गुरु दी जिहड़ी जोत रूपी कुल चलदी है, जिवें नानक कुल निम्मल अवतरियो
अंगद लैणै संग हो। गुरु अमरदास महाराज उवें भल्लियां दी कुल विच प्रगट होए ने, पर एक कुल है गुरु दी कुल। जिवें गुरु नानक साहब जी, अगे गुरु अंगद देव जी, गुरु अमरदास जी, गुरु रामदास जी, इस कुल नूं कहा गया प्यू दादे जे वेहा पोता परवान। गुरु नानक जी दादा जी ने, गुरु अंगद देव जी पिता जी ने, ते बिल्कुल अगे गुरु अमरदास जी पोतरे ने। यह गुरु कुल है। इसलिए दशमेश पिता जी नूं जदों पुछया, सतगुरु जी तुहानूं बेदी प्यारे ने, तेहन प्यारे ने, भल्ले जां सोढ़ी प्यारे ने, ते साहब जी ने कहा सी नहीं मैनू खालसा प्यारा है। किन्ना प्यारा है? खालसा मेरी जान की जान, खालसा मेरो पिंड पुराण। जिहड़ी गुरु कुल है, भाव गुरु नानक साहब जी तो जिहड़ी गुरु कुल शुरू होई, ते उस कुल दे जिहड़े वारस ने सतगुरु गुरु रामदास महाराज जी एवें पड़पोतरे ने, ते सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज कृपा करदे ने कि जदों असी प्यू दादे दा ये खजाना खोल के वेख्या, लोकी दुनियावी पिता दा, दुनियावी दादे दा, पड़दादे दा खजाना खोल के वेखदे ने, पर जिहड़ा गुरु पिता ने सानू गुरबाणी दा नाम दा खजाना बख्शिश कीता। साहब कहिंदे रतन लाल जांका कशु ना मोल, भरे भंडार अखूट अतोल, खावें खर्चें रल मिल भाई। आम करके जदों ये तुक कई बार बिना ध्यान दित्तिआं पढ़ी जाती है तो कई इनू खावो खर्चो पढ़ते हैं, नहीं इत्थे पाठ है खावें खर्चें रल मिल भाई। क्योंकि कई तुकां जिहड़ियां ने जिवें पक्कियां कर लईआं, रट लईआं, तो सुभाविक ही कह दिता जांदा खावो खर्चो, नहीं खावें खर्चें रल मिल भाई, टोट ना आवै वाधो जाई। कहो नानक जिस मस्तक लेख लिखाए, सो एत खजाना लया रलाए। गरीब नवाज जी ने कृपा की, कहन लगे असी धनवान भागा वाले इस करके हाँ क्योंकि साडे कोल प्यू दादे दा ये खजाना है, जिन्हों जिन्ना भी रल मिल के खावांगे, खर्चांगे, अगे एक दूसरे नाल मिल के जपांगे, जपावांगे, इहदे विच टोट नहीं आउंदी, ये वाधा ही जांदा है। ते जिन्हां नूं डर हुंदा वो फिर कन्नां विच लुको के दसदे ने भी अगे किसे नूं ना दस्यो, भी जिवें कि छूत छात की बीमारी होवे, भी गां ना किसे नूं लग जाए। साहब कहिंदे नहीं, इत्थे तां दीपक ते दीपक प्रगासिया। गुरु नानक साहब जी तो जाग लगी भाई भगीरथ जी नूं, ते भाई भगीरथ जी तो अगे भाई मनसुख रूपी दीवा जगया, ते भाई मनसुख जी जिन्हां ने जाके संगला दीप जिहड़ा राजा शिव नाभ सी उन्हूं रब्बी ज्ञान नाल शरशार कीता, ते सिखी एवें खंडा ब्रह्मंडा दे विच प्रफुल्त हुंदी गई, एक तो दूजा, दूजे तो तीजा। गुरु गरीब नवाज जी ने जिहड़ी दात पंजां प्यारियां नूं बख्शिश कीती, ते कहा अगे ये अमृत की दात, ये गुरमंत्र, ये मूल मंत्र, नाम की दात तुसीं अगे संगतां नूं वंड सकदे हो, क्योंकि जिन्नी वंडोगे, जिन्नी रल मिल के खर्चोगे, खावोगे, इहदे विच टोट कोई नहीं आउंदा, यह तां हमेशा खजाना जिहड़ा ये वधन वाला है। सतगुरु गुरु रामदास महाराज जिन्हां ने जदों नाम धन दे खजाने की गल की भी यह मिलता किवें है, तो सतगुरु जी ने स्पष्ट किया हर धन रतन जवेहर माणक, हर धनै नाल अमृत वेलै वत्तै, हर भगती हर लिवलाई। हर धन अमृत वेलै वत्तै का बीजिया, भगत खाए खर्च रहे नखुटै नाही। भी ये जिहड़ा खजाना ये भगत जन जदों खांदे ने, खर्चदे ने, वरतदे ने, ये कदे भी नखुटदा नहीं, भाव मुकदा नहीं। ते ना इस खजाने नू कोई डर है भी नाम धन कोई चुरा लवेगा, कोई पानी विच डोब देवेगा, कोई अग वे साड़ देवेगा। साहब कहिंदे इनू किसे तरह ना चुराया जा सकदा, ना कोई इनू लुट के लिजा सकदा, क्योंकि हर धन निरपो सदा सदा अस्त्र है साचा। एहो हर धन अग्नि, गरीब नवाज जी ने कृपा कीती तस्कर है, पाणी है, जमदूत है, किसे का गवाया ना जाई, क्योंकि हर धन को उचक्का नेड़ ना आवई, जम जगाती डांडा लगाई। कोई
जिवें चीज़ चुक के भज जाता कोई तो उन्हूं उचक्का कहा जाता है जिहड़ा चुक के भजे। साहब कहिंदे ये नाम धन कोई तुहाडे तो खोह के कोई चुक के भज नहीं सकता क्योंकि ये तुहाडी आत्मा दे विच खजाना टिकना तो इहनूं चोर चुरा नहीं सकता, अग साड़ नहीं सकती, इहनूं पाणी डोब नहीं सकता। जिवें धन गुरु तेग बहादुर साहब महाराज ने जगत नूं एक पाणी दे बुलबले की तरह दस्या, धुएं दे पहाड़ की तरह दस्या, बालू दी रेत दी कंध वांग दस्या, अज कल दे विच बिनसनहार किया। पर सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब जी भी इस गल नाल सहमत ने, हर जस रे मना गाए लै जो संगी है तेरो, नाम रहो साधु रहो रहो गुरगो बिंद। गरीब नवाज जी ने परमेश्वर दे नाम नू सदा थिर रहन वाला दस्या है। हुण रहाओ दे बंद वे सतगुरु गुरु अमरदास महाराज कृपा करते ने कि भाई असल धनवंत असल शाह जेड़े ने वह ने जिन्हां ने परमेश्वर के नाम नाल लिव जोड़ ली है, प्रभु के नाम नाल जिन्हां ने सुरत जोड़ी है वह असल विच धनवान ने, वह असल विच इंज कह लईए भी शाहूकार ने। जिवें हुण असीं दुनियावी तौर पर वेखदे हां भी भगत नामदेव जी छिंबिया की कुल विच पैदा हुए सन, उन्होंने ये गल आप प्रवान की है कि मेरे कोल रहन वास्ते एक सधारण जी छन सी, मैं कपड़िया नू छाप ला के कपड़िया नू रंग के जां कैंची नाल कटना सूई धागे नाल सिउना ये मेरा पिता पुरखी काम। पर जदों भगत नामदेव जी ने परमेश्वर वे सुरत जोड़ी ते जिहड़े भगत नामदेव जी नू लोकी गरीब आखदे सन, अद्धी कौड़ी दा शब्द वरत्या ते साहब दे बचन ने नाम दिओ इन्नी उच्ची अवस्था दे धारनी बन गए कि आड़ दाम को शीपरो होयो लखीणा, जिवें अद्धी कौड़ी दा कोई लखांपति बन जावे। क्योंकि श्रम करते दम आड़ को ते गनी तनीता, वो तनीता धनवान गिने जाते ने जेड़े अद्धी कौड़ी लई जतन करते सन, उन्हां दे कोल इन्नी उच्ची आत्मक अवस्था आ जाती है कि वड्डे वड्डे तनाड़ वड्डे वड्डे शाहूकार भी गल विच पल्ला पा के आखते ने हम अवगुण भरे एक गुण नहीं। जदों धन गुरु रामदास महाराज जी दे नाल गुरु अमरदास महाराज अपनी होनहार सुपुत्री बीबी भानी जी का रिश्ता करन लगे तो माता जी ने पुछया भी इस बालक दे माता पिता नहीं है, इहदा कोई अपना घर नहीं है, ये नानके घर रहिंदा है, इहदे कोल दो वक्त दी खाण वास्ते रोटी का भी प्रबंध नहीं, वरतन लई धन भी नहीं। तो मेरे गुरु अमरदास महाराज जी ने कृपा कीती सी कि एक दिन इहदे नाम ते एडा वड्डा लंगर लगेगा कि दुनिया दे किसी कोने विच्चों कोई भुखा आवे तो वह इत्थे आ के तृप्त होवेगा। वड्डे वड्डे तनाड़ वड्डे वड्डे दुकानदार वड्डे वड्डे व्यापारी अपना कारोबार शुरू करन तो पहला वड्डे वड्डे मायाधारी इहदे दर ते आ के नक रगड़िया करनगे, गल विच पल्ला पा के आख्या करनगे हम अवगुण भरे एक गुण नाहीं। अमृत छाड़ बिखै बिख खाई माया मोह भरम पै भूले, सुत दारा सिंह प्रीत लगाई एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत तेह मलंत जम त्रास मिटाई, एक अरदास भाट कीरत की गुर रामदास राखो शरणाई। हुण दुनियावी तौर पर असीं वेखदे हां कि जिहड़ा बंदा तनाड़ होवे जदों कोई गरीब उहदे कोल जांदा है ना ते उह अगे पिठ करके बह जांदा भी मैं इहदे कोल की लैणा है, ते जदों कोई धनवान किसी गरीब दे घर जांदा है तो वह बड़ा उहदा आदर करदा है। पर भगत कबीर साहब जी ने एक गल का निर्णा दिता, कहन लगे ये निर्धन ते सरदन ये दोवें सके भरा ने मालक दे पैदा किए ने, और प्रभु की इस कला नू मेटिया नहीं जा सकता क्योंकि एक दाते एक भिखारी जी सब तेरे चोज वडाणा। जिवें हुण साडा शरीर है तो शरीर के सारे अंग बराबर ने ना, तो जे कोई कवे भी साडा बस सिर ही महान है, नहीं, पैरां नू सट लगे तो सब तो पहला बंदा सिर भरने थले डिगदा, सब तो श्रेष्ठ पैर ने, इस करके जे कोई किसी का अदब करे तो वह सिर नू मत्था नहीं टेकदा पैरां नू मत्था टेकदा। आकाश उपर है त
धरती थले आ ते भाई गुरदास जी कहिंदे जैसे पांचों तत् विखै बसदा नवन मन ताही ते उप सब ताही मैं समात है। धरती नीवी है ते धरती नू एडी वडियाई मिली के सब कुछ धरती तो पैदा होंदा ते धरती विच ही समा जांदा आकाश कोल ते कख भी नहीं है। इसे तरह जे सानू कोई कवे भी आ इको मिट्टी तो इटा तैयार कीतियां इको आवे विच पक्कियां इको पट्ठे विच पक के इन्हां नू बनाउण वाला भी इको ही है ते आ इटा दा ढेर लगा ते तुसी मकान बनाउणा है पर बेइंसाफी नहीं करनी सारियां इटा इको थां ते लाउणियां ने ते आपां कहांगे फिर नहीं मकान बनदा। ये ठीक है कि सारियां इटा दी मिट्टी एक है इको संचे विच बनिया ने इको ने बनाईया ने इको आवे विच पक्कियां ने पर जे मकान बनाउणा है ते एक इट फिर थले लाउणी पवेगी ते एक इट सब तों उपर बनेरे ते। पर साडी मूर्खता यह है कि असीं बनेरे वाली इट नूं वड्डा समझी बैठे हाँ थले वाली इट महान है जिहदे ते सारा मकान खड़ा है। जदों इस गल दी समझ आवेगी ना कि अज दी अमीरी गरीबी दे आसरे खड़ी है फिर कौन गरीब ते कौन अमीर फिर समझ आवेगी कि जिस पैरां ते सिर खड़ा वो पैर महान ने। क्योंकि मेरे गरीब नवाज जी ने जिक्र किया कहन लगे इनू कदे कोई मेट नहीं सकता परमात्मा दी रचना एवें है कि एक गरीब है ते एक अमीर है। भगत कबीर साहब जी ने जिक्र किया कहन लगे निर्धन आदर कोई ना दे लाख जतन करे उचित ना धरे जो निर्धन सरदन कह जाए आगे बैठा पीठ फराए। कहिंदा मेरे को टाइम ही नहीं तू पहला अपॉइंटमेंट नहीं लई मैनू दस्या नहीं पर कहिंदे जो सरदन निर्धन कह जाए दिया आदर लिया बुलाए निर्धन सरदन दोनों भाई प्रभ की कला ना मेटी जाई। कोई माई दा लाल ये कवे भी मैं सारिआं नूं गरीब बना देना जां सारिआं नूं अमीर कर देना कहिंदे ये हो ही नहीं सकदा परमात्मा दी ये रचना है। निर्धन सरदन दोनों भाई प्रभ की कला ना मेटी जाई। पर अगे भगत कबीर साहब ने निर्णा दिता है कह कबीर निर्धन है सोई जांकै हिरदै नाम ना होई। इन्हां दोवां विच्चों असल विच निर्धन उह है जिहदे हिरदे विच परमेशर दा नाम नहीं। जिनकै पल्लै धन वसै तिनका नाओ फकीर जिन्हां दे पल्ले केवल धन है वह फकीर ने वह कंगाल ने वह गरीब ने। जिनकै हिरदै तूं वसै ते नर गुणी गहीर वह गुणवान ने असल विच वह धनवान ने जिन्हां दे हिरदे विच हे प्रभु जी तुसीं वसदे हो। यही कारण कि अज लोग धरती दे टुकड़े दी खातर सोने चांदी दी खातर अपना धर्म ईमान अणख सब कुछ वेच दिंदे ने पर जिन्हां नूं समझ आ जावे भी धर्म बड़ा कीमती है ईमान बड़ा कीमती है जिन्हां नूं समझ आ जावे नाम धन दे बराबर होर कोई नहीं। ते गुरु रामदास महाराज जी ने बचन कहे कहण लगे जिन शरदा राम नाम लागी तिन अवर दूजा अवर न पाया राम। उन्हां नूं होर कुछ जिंदगी विच पाउंदा नहीं जे धरती सब कंचन कर दीजै। कहण लगे जे उन्हां दे सामने कोई सोने दी धरती बना के भी रख दवे ते उह कदे उस पासे वल ध्यान नहीं दिंदे क्योंकि उन्हां दी जिंदगी विच परमेशर दा नाम जिहड़ा है सब तों श्रेष्ठ है। जदों गुरु रामदास महाराज जी का रिश्ता बीबी भानी जी नाल होया तो असीं वेखदे हां कि इह सहुरे दमाद वाला रिश्ता सी ते जदों धन गुरु अमरदास महाराज जी ने गुरु रामदास महाराज जी नूं पुछया पुरखा कोई मंग ते कहण लगे हर प्रभ मेरे बाबुला हर देवो दान मैं दाजो हर कपड़ा हर शोभा देवो जित सवरै मेरा काजो। मैनू नाम दा कपड़ा दे नाम दा दाज दे जिहदे नाल मेरा काज सवर जाए मेरी पत रह सके। इसे करके असीं पढ़दे हां प्रेम पटोला तैंशै दित्ता ढक्कण कू पत मेरी। ये जिहड़ा नाम रूपी कपड़ा है ना इहदे नाल पत ढक्की जांदी है पत बचदी है। ते गरीब नवाज ने कृपा कीती कि असल विच धनवान उह ने जिन्हां दे हिरदे विच परमेशर दा नाम है। आओ बड़े प्यार सहित सतगुरु जी ने जो बख्शिश कीती है पावन मुख वाक दी विचार नाल जुड़ना करिए। सतनाम
श्री वाहे गुरु साहिब जी। तनासरी महला तीजा, घर दूजा चौपदे, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। तनासरी राग विच तीसरे गुरदेव धन गुरु अमरदास महाराज जी दे वचन हन, जो दूजे घर विच सुरताल विच गाउण दी सतगुरां प्रेरणा कीती है। चौपदे पाव शब्द दे चार पदे ने, क्योंकि हर एक पदे तो बाद जिवें एक दो तीन ते चार नंबर आउंदे ने, ते एक रहाओ वाला पद है जिहदे बाद एका पिया, भी वह चारे पदियां दा सांझ है। उन्हूं असी मेन आइडिया अंतरीव भाव जां शब्द दा जो सेंटर आइडिया है वह मानते हैं कि सारे शब्द वे सतगुरु जी जो अंतरीव भाव की सिक्ख्या दे रहे ने, जो मरकज है शब्द का वह रहाओ वाले बंद विच है। गरीब नवाज कृपा कर रहे ने एक ओंकार सतगुर प्रसाद, ये संखेप विच मंगल है। एक दा अर्थ है परमात्मा एक है, ओंग वह सारे संसार विच व्यापक है, सर्व दा प्रकाशक है, सारा संसार उहदे तो पैदा होया, उहदी हुक्म रूपी कार सारे संसार ते चल रही है, वह सत स्वरूप है। इस करके सच्चे गुरु की कृपा सच्चे गुरु दे प्रसाद राही ही वह परमात्मा प्राप्त हुंदा है। एहो धन अखुट नानखुटा ना जाए। हुण जो बचन रहाओ वाले बंद विच कहे ने भी धनवंत वो है जिहड़ा नाम नाल लिव जुड़ेगा, ते नाल ये भी दस दिता कि पूरे गुरु ने कृपा कीती हिरदे विच हरी नाम धन का प्रकाश कर दिता, ते हरी कृपा दे द्वारा ही नाम मनुख दे मन विच वसदा। हुण उस नाम धन बारे दस रहे ने भी ये धन जिहड़ा है ये अखुट है, भाव कदे मुकदा नहीं और ना ही कदे ये मुकण वाला है, ना किते जाण वाला है, ना जाए दा अर्थ है भी किते जांदा भी नहीं, भाव ये जिहड़ा मनुख जपेगा उन्नू ये विश्वास कर लेना चाहिदा भी ये धन अखुट है, भाव ये भंडारा कदे मुक्कण वाला नहीं, इहदे विच कोई कमी नहीं आवेगी, ना ये किते जांदा है। पूरे सतगुर दिया दिखाए, पूरा सतगुरु ही इस खजाने नू दिखा सकदा है। अधूरे कच्चे पिल्ले केवल पखंड करदे ने, क्योंकि जिहड़ा सच्चा सतगुरु है, पूरा सतगुरु है, अकाल पुरख वाहिगुरु नाल जिहड़ा एक मिक है, भाव जे शरीरक तौर ते भी वेखीए ते दस पातशाहियां साडे ते बख्शिश करके सानू नाम धन कृपा करके दे के गईयां ने, ते अज भी पंज प्यारे साहिबान जो गुरु दा रूप ने अमर छका के सानू गुर मंत्र मूल मंत्र दृढ़ कराउंदे ने। नाम देण दा अधिकार जिहड़ा है वह सच्चे गुरु दे कोल है, ते सच्चा सतगुरु ही दाता है नाम दा, क्योंकि सतगुर सिख को नाम धन दे, गुर का सिख वडभागी है। गुरु जदों कृपा करदा ते सिख फिर वड्डे भागां वाला बन जांदा नाम धन प्राप्त करके। अपने सतगुर को सद बल जाई, इस करके हे भाई मैं अपने सतगुरु तो सदा बलहार जांदा हां। क्यों जांदा हां? अगे सतगुरु कृपा कर रहे ने, गुर कृपा ते हर मन वसाई, क्योंकि गुरु कृपा ते ही हरी ते हरी दा नाम धन मेरे मन विच वसदा, भाव मैं ये नाम धन अपने मन विच वसाउंदा हाँ, इस करके मैं अपने गुरु तो बलहार जांदा हाँ। और जाना भी चाहीदा बलहारी गुर अपने दिहाड़ी सदवार, जिन मानस ते देवते किए करत न लागी वार, ऐसे गुर को बल बल जाइए आप मुक्त मोहे तारे, ऐसा गुर वडभागी पाया भूले मार्ग जिन्हें बताया। बाबा अमरदास जी पहला तीर्था की यात्रा करया करते सन, पर जदों गुरु अंगद देव महाराज की शरण में आए तो शब्द का खजाना प्राप्त होया, तो गुरु अमरदास महाराज जी ने निर्णय दिता, कहन लगे 68 तीर्थ गुर शब्द दिखाए तित नहातै मल जाई। मेरे गुरु ने शब्द के जल विचों ही 68 तीर्थां का इशनान करवा दिता, तो हुण
मैं तीर्थां ते इस भावना नाल नहीं जावांगा। हाँ, जिहड़ी बख्शिश गुरबाणी दी शब्द दी नाम दे खजाने दी गुरु अंगद देव जी ने मेरे ते कीती है वह वंडन लई जावांगा। तीर्थ उद्दम सतगुर किया सब लोक उदाहरण अर्था, जिहड़े लोग तीर्थां ते बैठे सन भीख मंग रहे सन, कोई कहिंदा सी मेरी झोली विच धन पा दिओ, कोई कहिंदा सी अन्न पा दिओ, गुरु अमरदास जी उन्हां नूं नाम धन दी बख्शिश करन वास्ते गए, लोकां दा उधार करन वास्ते गए कि भाई परमेश्वर दा नाम ही असल विच ओ तीर्थ है जिहड़ा अंदर दी मैल धो दिंदा है। तीर्थ नहावण जाओ, तीर्थ नाम है, तीर्थ शब्द विचार अंतर ज्ञान है। गुरु ने कृपा कीती कि जदों ये नाम हिरदे दे विच वस जावे, से धनवंत हर नाम लिव लाए, से दा अर्थ है ओ, धनवंत दा अर्थ है शाह पाव रिच मैन तनाड, जिन्हां नूं असीं कहिंदे आ कि ये बंदा बड़ा वड्डा शाहूकार है, इहदे कोल बड़ा पैसा है, साहिब कहिंदे असल विच से धनवंत उहने वड्डे शाह उहने वड्डे तनाड हर नाम लिव लाए, जिन्हां ने हरी नाम नाल अपनी लिव जोड़ ली, अपनी सुरत जोड़ ली। गुरपुरै हर धन परगासिया, हर कृपा ते वसै मन आए। पूरे गुरु ने जदों हरी नाम धन दा साडे हिरदे विच प्रकाश कर दिता, हरी नाम धन हिरदे विच प्रगट कर दिता, ते फिर समझ आई कि हरी परमात्मा दी कृपा दे नाल ही परमेश्वर दा नाम जिहड़ा है वह साडे मन विच आ के वसदा है। रहाओ, रहाओ दा भाव है इन्हां पावन तुकां दे विच शब्द दा अंतरीव भाव है, ठहराओ भाव थोड़ा रुक के ध्यान नाल इन्हां पावन तुकां वल। सतगुरु साहिब जी ने तवज्जो देण वास्ते आख्या कि सारे शब्द दा मरकज जो तुरा है वह रहाओ विच है। ताव गुण काट गुण हृदय समाए, सच्चा सतगुरु जिथे नाम जपाउंदा है ना उत्थे औगुणा नूं कट के परमेश्वर दे गुणा दी सिफत सलाह दी दात हिरदे विच वसा दिंदा है। जिवें एक डॉक्टर मैडिसन भी दिंदा ते नाले परहेज भी रखाउंदा है, सतगुरु ने नाम बाणी नाल भी जोड़िया ते नाल रहत मर्यादा भी बख्शिश कीती है भी नाम भी जपना है ते नाल आ परहेज भी रखना है। रहत मर्यादा जिहड़ी उह परहेज है, ते जे बंदा मैडिसन लई जावे ते परहेज करे कोई ना ते फिर सच्ची गल है ना भी उहदा रब ही रख है ना। जां कई वार आपां हुक्म मन्नण दे विच भी चलाकी कर जांदे आ, कहिंदे इक बंदे नूं बड़ा मोटापा सी ते उह डाक्टर कोल चलिया गया ते डाक्टर ने वेख्या भी जे इहदी खुराक कंट्रोल विच हो जावे ते इहदा मोटापा दूर हो सकदा है। उन्हें पूछ लिया, कहन लगे भी सारा दिन की किन्नी खुराक है, तो कहन लगा भी 15 रोटियां ने। डॉक्टर साहब कहन लगे भी चलो एक हफ्ता तू हुण सारा दिन विच 10 रोटियां खानियां ने, तो फिर मेरे को आई। ये जदों हफ्ते बाद गया तो कोई फर्क ना पिया, फिर इनू 15 दिन लई किया, फिर महीने वास्ते किया, तो हौली हौली डॉक्टर साहब ने वो 15 की गिणती जिहड़ी सी 5 ते लै आंदी। पर महीने बाद भी जदों फर्क ना पिया तो डॉक्टर साहब कहिंदे भी तैनू कहा सी ना परहेज रखी, मेरा हुक्म मनी, कहिंदा भी मन्निया पर हुक्म मनण विच चलाकी सी ना। कहन लगा भी इदां कर तू अगला हफ्ता जा, तो हुण अगले हफ्ते इन्हां 5 नूं तू केवल 4 रोटियां जिहड़ियां ने उह सारा दिन विच खाणियां ने। कहन लगा डॉक्टर साहब भी बड़ी मुश्किल नाल 15 रोटियां का आटा ला के 10 बनाईआं, फिर 15 रोटियां का आटा ला के 5 बनाईआं, तो हुण दसो भी 15 रोटियां के आटे नाल 4 बनावांगा तो किन्ना मैनू मेहनत करनी पवेगी। डॉक्टर कहन लगा भी वाह सदके जाइए तेरे तो, भी रोटियां की गिणती घटा ली तो आटा उन्ने का उन्ना ही। भाव कई बार आपां हुक्म मनण विच भी चलाकी कर जाने, इस तरह की चलाकी जिहड़ी है भी हुक्म मान लिया पर फर्क कोई नहीं पिया। हुण साहिब जी कृपा करदे ने कि परमेश्वर का हुक्म प्रभु की रजा ही असल विच उहदा नाम है, तो जदों असी एको नाम हुक्म है गुरु का हुक्म मन्नांगे रहत मर्यादा रूपी परहेज रखांगे। सतगुरु बारे कहा भी जैसा सतगुर सुणींदा तैसो ही मैं डीठ,
जिहो जिहा मैं गुरु बारे सुनिया जदों वेख्या बिल्कुल गुरु उहो जिहा सी, उहदे विच कोई उकाई नहीं। आम करके सुनन विच ते वेखण विच बड़ा फर्क हुंदा, आपां किसे बारे सुणदे आ जदों वेखीए ते जमीन समान दा अंतर हुंदा, पर गुरु बारे जिहो जिहा सुनिया जदों वेख्या बिल्कुल उहो जिहा। किहो जिहा? कहण लगे विछड़िया मेले प्रभु हर दरगह का बसीठ। वो जन्मां जन्मांतरां दे विछड़े जीव नूं प्रभु नाल मिलाउंदा ते हरी दरगाह दे विच बसीठ विचोला वकील बणदा, साडी वकालत करदा। आ दुनियावी तौर ते कोई केस जितना होवे ते चंगा तगड़ा वकील करना पैंदा ना, परमेशर दी कचहरी दे विच गुरु ऐसा बसीठ है, ऐसा वकील है कि जिहदा पक्ष गुरु कर दवे उहदा लेखा ही मुक जांदा, निबड़ जांदा, उहदी फाइल बंद कर दित्ती जांदी है। विछड़िया मेले प्रभु हर दरगह का बसीठ, ते गुरु काम की करदा? हर नामो मंत्र दृढ़ाए दा, हरी नाम दा उपदेश दृढ़ करवा के, ते अगली गल कट्टै हो मैं रोग। जदों भी किते हिरदे दे विच हंकार पैदा होण लगा ते गुरु ने कट के बाहर कढ़ दिता। जिवें किसान खेती करदा ते खेती नूं संभालदा, नदीना दे बूटे पुट के बाहर सुट दिंदा, इस तरह हरी नाम की खेती गुरु कराउंदा। ते जदों किते अंदर हंकार दा औगणा दा बूटा नदीन बन के उगण लगे ते गुरु कट के बाहर सुट दिंदा। हर नामो मंत्र दृढ़ाए दा कट्टै होमै रोग, कहिंदे फिर गुरु होमें दा रोग भी दूर कर दिंदा, कृपा करदा। अवगुण काट गुण हृदय समाए, औगणा नूं कट के जिहड़े गुण ने परमात्मा की सिफत सलाह नूं हिरदे विच वसा दिंदा, क्योंकि सतगुर गुणी निधान है, गुण कर बख्शे अवगुण आरे। सतगुरु कहिंदा बस तू आ के मैनू अपने औगण दे दे ते इहदे बदले मैं तैनू गुण दवांगा। दुनियावी तौर ते कोई इस तरह का शाह नहीं है भी औगणा दे बदले सानू गुण दवे। गरीब नवाज कहिंदे तू आ के अपने औगण गुरु दे अगे रख भी आ औगण ने मेरे अगे, ते सतगुरु उन्हां गुणा दे बदले तैनू गुण दे के नवाजणगे, भाव तैनू गुणवान बना देणगे। पूरे गुर कै सहज सुभाए, पूरे गुरु ने जदों कृपा कीती प्रभु दे नाम दी, ते कहिंदे सहज दा अर्थ है अडोलता, ते सुभाए दा अर्थ है गुरु दे प्रेम वे जुड़ के। जदों गुरु दे प्यार वे जुड़ के अडोलता दे नाल गुरु दे उपदेश द्वारा परमेश्वर दे नाम नू जपिया। पूरे गुर की साची बाणी, पूरे गुरु दी जेड़ी सच्ची सिफत सलाह वाली बाणी है। गुरु अमरदास जी तां आवाज ही मारदे ने सच्ची बाणी नू पढ़न ते सुनन वास्ते, आवो सिख सतगुरु के प्यारियो गावो सच्ची बाणी। सब कहिंदे ने बाणी दा अर्थ भावें बोली है, जो आपां लिखदे आं, जो सुनदे आं, पढ़दे आं, कई बार बोलां नूं बाणी कहा जांदा है, और केतियां खाणी केतियां बाणी केते पात नरिंद। पर साहब कहिंदे तू हर बाणी नूं नहीं पढ़ना, तू पढ़ना है धुर की बाणी नूं, तू पढ़ना है सच्ची बाणी नूं, तू पढ़ना है खसम की बाणी नूं, ते तू पढ़ना है जिहड़ी बाणियां सिर बाणी है, बाणियां विच्चों श्रोमणी बाणी है। इस करके गुरु ग्रंथ साहिब जी दी बाणी नूं धुर की बाणी, खसम की बाणी, सच्ची बाणी ते बाणियां सिर बाणी कहा। ते गुरु अमरदास जी ने स्पष्ट भी कर दिता कि सतगुरु बिना होर कच्ची है बाणी, जिहड़े गुरु दे उपदेश तो बिना होर उपदेश है वह कच्चा उपदेश है, क्योंकि बिन साचे अन टेक है सो जाणो काचा। जिहदी टेक एक रब तो बिना किसी होर ते आ वह कच्चे ने, ते कच्चियां दे बोल भी फिर कच्चे ही होने ने ना। जिवें पृथ्वी चंद का पुत्र मेहरवान, मेहरवान का पुत्र हर, वो कवितावां रचदे सन ते अखीर ते नानक शब्द वरत के भुलेखा पाउंदे सन। ये इन्ने कच्चे सन कि इन्हां दे विच्चों ही अगे जा के फिर गुरु तेग बहादुर साहब वास्ते दर्शनी ड्योड़ी दे दरवाजे बंद कर दिते, ते गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी ने श्री अकाल तख्त साहब के नेड़े थड़ा साहब जाके उत्थे विराजमान होना किया। हुण इन्ने कच्चे ने जिहड़े गुरु दे उपदेश तो बिना कोई होर कवे भी मैं आ रचना रच के ते लोकां नूं इहदे नाल जोड़ना। इस करके गुरु अर्जन देव जी ने गुरु ग्रंथ साहिब जी की संपादना करवाई,
पहला प्रकाश करवाया कि मेहरवान पुत पिरथी दा कविशरी करे, हिंदवी पारसी सहस्कृति नाले गुरमुखी पढ़े, तिन भी बाणी बहुत बनाई, अंत भोग नानक जी दा पाई। वचन कीता भाई गुरदास, गुरु की बाणी जुदा करिए, मीणे पाण लगे नी रला, सो न्यारी कर धरिए। और इन्हां विचों ही सीगा धीर मल जिन्हें गुरु तेग बहादुर साहब ते गोली भी चलाई सी। इस करके जिहड़े कच्ची मत वाले ने उन्हां दे बोल भी कच्चे ने, ते उन्हां दीयां कवितावां नूं उन्हां दे बोलां नूं सुणिया ते पढ़िया जीवन सच नाल नहीं जुड़ सकदा। साहब कह रहे ने पूरे गुर की साची बाणी, पूरे गुरु की जिहड़ी सच्ची सिफत सलाह वाली बाणी है। सुख मन अंतर सहज समाणी, ये मन दे अंदर सुखां दा हुलास पैदा करन वाली है, ते अडोलता दे राही मनुख की समाई परमेशर दे विच कराउण वाली है। यही कारण कि गुरु अंगद देव महाराज जी नूं जदों पुछया भी पहला बड़े बड़े धार्मिक ग्रंथ सन पर यह सारा कुछ छड़ के तुहानू गुरबाणी नाल क्यों जुड़ना पिया, ते साहब जी ने कहा सी कि अमृत बाणी तत् वखाणी ज्ञान ध्यान विच आई। ये धुरकी बाणी जिथे आत्मक जीवन दिंदी है, जिथे रब्बी ज्ञान बख्शिश करती है, सुरत जोड़ती है परमेशर नाल, उत्थे धुरकी बाणी सानू धुर नाल भी जोड़ती है। इस बाणी दे नाल ही असी उस धुर नाल जुड़ना जिहड़ा साडा केंद्र है। सतगुर की जिसनो मत आवै सो सतगुर माहे समाना, यह बाणी जो जियो जाणै तिस अंतर रवै हर नामा, इस बाणी राही परमेश्वर दे नाम नाल जुड़ना है। एक अचरज जन देखो भाई, ये भाई एक हैरानी कुन तमाशा वेखो केड़ा, अगे उहदा जिक्र कर रहे ने। दुबिधा मार हर मन वसाई, गुरु ने जीवन विच्चों दूजा भाव दुचित्तापन खत्म करके हरी परमेश्वर दे नाम नूं साडे मन विच वसा दिता। हुण दूजा भाव कोई होर ख्याल साडे मन विच नहीं आउंदा, हुण असीं आखदे हां इस ते उपर नहीं विचार, जांकै मन वस्या निरंकार, सर्ब धर्म मानो ते किए जे प्रभ कीर्त गाई, नानक कै घर केवल नाम। जिथे केवल लिखिया जावे ना उहदा मतलब हुंदा भी इह इस तों बिना होर नहीं, नाम दे नाल केवल लाया भी गुरु घर दे विच पूजा, गुरु घर दे विच कर्म धर्म परमेश्वर दा नाम है, नाम तों बिना होर कर्म कांड नहीं। क्योंकि अवर करतूत सगली जम डाना, गोबिंद भजन बिन तिल नहीं माना, एक रब की भजन बंदगी तो बिना होर जिहड़ी साडी करतूत है भी आपां मड़ियां ते मत्था टेकीए, जठेरे पूजिए, कर्म कांड करिए, धर्म राय भी उहनूं परवान नहीं जे करदा। उह कहिंदा भी एक सहर के नाम बिन अगै लईआं खोए, एक नाम ही अगे जा सकदा, बाकी तो सब कुछ कहिंदा साइड ते रख दिओ भी इह नजायज़ है, ये नहीं तुसी अगे ले जा सकते। तो वह नजायज़ काम आपां करना ही फिर क्यों, क्योंकि वह तो अगे जाना ही कोई नहीं, वह करतूत सानू जमा दे डंड तो नहीं बचा सकती। इस करके नानक कै घर केवल नाम, नाम ही धर्म, नाम ही पूजा, नाम ही साधना है। नाम अमोलक ना पाया जाए, परमेश्वर का नाम इन्ना अमोलक है कि यह दुनियावी किसी वस्तु नाल नहीं प्राप्त हुंदा, क्योंकि साई नाम अमोल कीम ना कोई जान दो, हर आप अमुलक है मुल ना पाया जाए, मुल ना पाया जाए किसे विटों रहे लोक विल लाए। मिलदा किवें है, ऐसा सतगुर जे मिले तिसनों सिर संभीऐ विचों आप जाए। साहब कृपा करदे ने कंचन स्यों पाईआ नहीं तोल, मन दे राम लिया है मोल, दुनियावी सोने चांदी नाल नहीं सगों मन दी भेटा दे के परमेश्वर दा नाम प्राप्त हुंदा है। गुर प्रसाद वसै मन आए, गुरु दी कृपा द्वारा ही परमेश्वर दा नाम मन विच वसदा है। सब मह वसै प्रभ एको सोए, हे भाई ओ परमेश्वर सारे जीवां दे हिरदियां विच वसदा, एको ही प्रभु है जिहड़ा सारियां दे हिरदे विच वसदा है। गुरमति घट प्रगट होए, गुरु दी मत ते चलियां हिरदे घर विच ओह प्रगट हुंदा है। सब मैं जोत जोत है सोए, तिस दा चानण सब मैं चानण होए, गुर साखी जोत प्रगट होए। गुरु दी कृपा, गुरु दी मत द्वारा ही
ਇਹ ਸੋਝੀ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਹਿਜੇ ਜਿਨ ਪ੍ਰਭ ਜਾਣ ਪਛਾਣਿਆ, ਆਤਮਕ ਡੋਲਤਾ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਕੇ ਜਿਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਮਨ ਮਾਨਿਆ, ਤੇ ਨਾਨਕ ਕਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਪਤੀ ਜਾਂਦਾ, ਮਨ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਡੋਲਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਪਾਵਨ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਓ ਜੋ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜੀਵਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਥਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਸੰਤਨ ਕੈ ਮਨ ਮਹਾ ਆਨੰਦ, ਗੋਂਡ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨ ਹਨ, ਜਿਹਦੇ ਦੋ ਪਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਰ ਗੋਪਾਲ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਕੋ ਰਾਖਨ ਹਾਰ ਰਹਾਓ, ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਦਾ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਜਨ ਨੇ, ਭਗਤ ਨੇ, ਸੰਤ ਜਨ ਨੇ, ਸੰਤਨ ਕੈ ਮਨ ਮਹਾਂ ਆਨੰਦ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਮਹਾਂ ਆਨੰਦ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆਨੰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੰਤ ਜਪੇ ਗੁਰ ਦਿਉ ਭਗਵੰਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸੰਤ ਹੈ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੇਵ, ਆਪਣੇ ਭਗਵੰਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਪਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਜਪਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਭਗਤ ਜਾਂ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਸੰਗਤ ਕੇ ਮੁਖ ਊਜਲ ਭਾਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਭੂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਜਲੇ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਜਿੰਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸ਼ਕਤ ਘਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ। ਕੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਉਜਲੇ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਸੁਰਖਰੂ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਹੋਰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਦੇ ਹਨ। ਸਗਲ ਥਾਨ ਨਿੰਦਕ ਕੇ ਗਏ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਿੰਦਕ ਹੈ, ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਦਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਥਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗਵਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਨਿੰਦਕ ਐਸੇ ਹੀ ਝਰ ਪਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸੁਣੋ ਤੁਮ ਭਾਈ, ਜਿਉਂ ਕਾਲਰ ਭੀਤ ਗਿਰੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਲਰ ਵਾਲੀ ਕੰਧ ਡਿੱਗਦੀ ਡਿੱਗਦੀ, ਝੜਦੀ ਝੜਦੀ, ਕਿਰਦੀ ਕਿਰਦੀ ਕਿਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿੰਦਕ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਲਰ ਵਾਂਗ ਡਿੱਗਦਾ ਡਿੱਗਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਾਸ ਸਾਸ ਜਨ ਸਦਾ ਸਲਾਹੇ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਨ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਹਰ ਸਵਾਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗੁਰ ਬੇਪਰਵਾਹੇ, ਉਹ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੈ, ਭਾਵ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੁਹਤਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਗਲ ਭੈ ਮਿਟੇ ਜਾ ਕੀ ਸਰਨ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਡਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਿਰਭਉ ਜਪੈ ਸਗਲ ਭਉ ਮਿਟੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਡਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਿੰਦਕ ਮਾਰ ਪਾਏ ਸਭ ਧਰਨ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਮਾਰ ਕੇ ਇਵੇਂ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਡੇਗ ਦਈਏ, ਭਾਵ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਫਿਰ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨੀਵੀਂ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਡੇਗਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਰਸਾਤਲ ਵੱਲ ਚੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਆਚਰਨ ਤੋਂ ਉਹ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਤੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਚੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ। ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਣੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਖੀਣ ਕਰਕੇ, ਸਦਾ ਲਈ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਡੇਗ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵ ਜਿਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੀਵੇਂ ਪਾਸੇ ਥੱਲੇ ਧਕੇਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਪ੍ਰਭੂ ਪਿਆਰੇ ਉੱਚੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਰਸਾਤਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ। ਪਾਵਨ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਦੀ ਅਤੇ ਲੜੀਵਾਰ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਥਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਫਿਰ
दो पदयां दी व्याख्या सरवण कीती है। सतगुरु जी होईयां भुल्लां तों खिमा कर देण, कुटान कोट शुकर साहिब सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी का, अकाल पुरख वाहिगुरु जी का, आप सारिया संगतां का। आओ अखीरलियां पावन तुकां दा पाठ एक बार फिर सरवण करिए। सास सास जन सदा सलाहे, पार ब्रह्म गुर बेपरवाहे, सगल पै मिटे जाकी सरना, निंदक मार पाए सब तरना। वाहिगुरु। खालसा जी, चैनल नू सबसक्राइब करन तो बाद ऑल नोटिफिकेशन नू जरूर ऑन करो ताकि साड़ी कथा कीर्तन दी हर वीडियो तो हाड़े तक पहुँचती रवे। अते वीडियो नू लाइक करना ना भूलना जी।